वेलकम बैक टू लर्न विद परी। मैं हूँ परी। और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि मेरा बाल कितना लंबा हो गया और इसकी वजह से ना मुझे बहुत गर्मी ही लग रही है और बार बार चोटी करना पड़ रहा है। तो फिर मुझे अभी ये लंबा बाल ना थोड़ा एक छोटा सा बाल करना है, मेरा छोटू छोटू बाल। तो फिर आज मैं और मम्मी जा रहे हैं हेयर कट करने। रूबी, हाँ, परी का हेयर कट करना है? हाँ, करवाना तो है। आपका भी थोड़ा कर लेना। क्या मैं छोटा छोटा कर दूँ? हाँ, इतनो ठीक है। आधी से भी छोटा? मस्त जोक मारा। आधी से छोटा कोई नहीं कर सकता। आधी का जो हेयर कट है उसके जैसा कोई नहीं कर सकता, बस पापा कर सकते हैं। आज ही हम घर का सब टकलू होंगे। आधी आधी हुआ है ना। परी का क्लास है अभी 7:30 को। अब जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाओ, ठीक है? जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ, बुलाओ अपनी बेटी। पता नहीं दुकान में फिर भीड़ है क्या है, देखना पड़ेगा। ज्यादा भीड़ होगा तो वापस आ जाना। ठीक है, देखते हैं, बात करके आ जाऊंगी कल कितने टाइम आऊँ। हाँ हाँ, जल्दी से, ठीक है ना। ये देखो आदि सो रहा है, इसका मुंडन हो गया आज और एक बार। पता नहीं ये लोग कितनी बार ये आदि का मुंडन करवाएंगे। ये आदि का हेयर सेविंग वाला ब्लॉग आद्यांश चैनल पे आएगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, टाइम नहीं है बाबा। ये हेयर कटिंग करने के लिए जाने के लिए भी थोड़ा मेकअप होना पड़ता है क्या? बहुत। अच्छा तो हमेशा दिखना चाहिए, जैसे पापा हमेशा अच्छा दिखते हैं। हमें नहीं लगता। गजब बेइज्जती है। तो ऐसे उड़ते उड़ते जाएगा पूरा। हाँ। तुम सच बताओ, तुम्हारा बाल काटने का मन है? बहुत। क्यों? क्योंकि बार बार चोटी करनी पड़ रही है और फिर इसको अगर खुला छोड़ूंगी। वो लिटिल पोनी वाला कैसा अच्छा लगता है ना, पोनी कैसे करोगे फिर? पोनी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो बाल काट रही है। हाँ। कितना लंबा हो गया। हर बार सोचते हैं हम परी के बाल रखेंगे, बाकी ऐसे खुला छोड़ने से अच्छा लगता है, वो बांधने से थोड़ा परे दिखता है। टैंगल्ड हो जाता है और बहुत गर्मी लगती है। समर के बाद रखना, ठीक है? फिर से बढ़ जाए परी का बाल, बहुत जल्दी बढ़ता है, लंबा हो जाता। चलो रे बाबा, स्कूटर लेके चलो। बाय बाय। आंटी अभी यहाँ मेरा बाल में पानी स्प्रे कर रहे हैं और अभी मैं बहुत सैड भी हूँ और थोड़ा हैप्पी भी हूँ। लेकिन सैड थिंग है कि मेरा जो बाल है ना वो अभी कटने वाला है और मम्मी और मैं सोच रहे हैं कि इस बार ना हम बॉब कट कराएंगे। ये नाम तो मैं पहली बार सुनी थी, मगर ट्राई करना था, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहिए। तो आंटी क्या कर रहे थे बताओ? ऊपर ना क्लचर लगा दे रहे थे थोड़े बाल और फिर नीचे ला कर ना फिर सारे बालों को अच्छे से ऐसे स्ट्रेट, मतलब अच्छे से ऐसे काट देते थे। अभी यहाँ आंटी कट कर रहे हैं और पता है लंबे बाल का बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बनते थे और मैं अच्छे से चोटी करके भी अच्छा लगता था बहुत। मगर फिर अभी छोटा बाल ना अच्छे से खुद घूम करके निकल जाओ, वो अगर लंबा बाल था तो फिर चोटी करना पड़ रहा था और फिर मम्मी को बुलाना था, मम्मी बेवजह उठते थे, आदि को सुला रहे होते हैं ना, तो वो फिर चोटी करते हैं। लेकिन अभी मैं पूरा अच्छे से खुद रेडी होकर पापा को लेकर चले जाएंगे हम। और ये देखो यहाँ अभी मेरा ऑलमोस्ट कट तो हो चुका है, मगर आंटी अभी अच्छे से उसको साइज कर रहे हैं। ये देखो ऐसे कौन कर रहा है। हाँ, मेरा बाल कितना छोटा हो गया, कितने सारे बाल मेरे नीचे कट गया। और अभी आंटी यहाँ ऐसे मेरा हेयर को कर्ल कर रहे हैं हेयर ड्रायर से। हेयर ड्रायर काफ़ी गर्म था मगर फिर भी बहुत अच्छा हवा दे रहा था। यहाँ ये देखो मेरा बाल कितना छोटू छोटू हो गया, मगर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये मुझे। ये देखो कैसे कर रहे हैं। मैं नीचे बस अपना बाल देख रही थी, मेरे कितने सारे बाल कट गए बोल के। वाह। उसके बाद ना ये देखो अभी मेरा बाल
ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। वाओ कितना अच्छा है ये। आपको कौन सा अच्छा लगता है, मेरा जब लंबा बाल था तब कि अभी जो मेरा छोटा हो गया बाल? वाओ ये देखो फ्रेंड्स, आंटी अभी पूरी अच्छे तरीके से कॉम भी कर चुके हैं और अभी बारी है मम्मी की। ये देखो मम्मी अपना बाल थोड़ा छोटा कर रहे हैं, मगर ना वो फैदर कट कर रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये हेयर स्टाइल मम्मी में। मम्मी ना मोस्टली ये वाला हेयर स्टाइल करते हैं फैदर कट, और उनमें ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। इस बार थोड़ा वो टाइप ऑफ ज़्यादा छोटा कर लिया। परी चले? कैसे चले? बारिश हो रहा है, गीला हो गया पूरा। ओ सीट हमारा गीला हो गया और बारिश हो रहा है बाहर बहुत ज्यादा। चलेगा परी? चलते हैं और क्या करें, तुम्हारा क्लास भी है ना अभी। खोल दो डोर, खोलो मम्मी अब आ गए। डोर खोल दो आदि। हाँ ये देखो दीदी। ओहो दीदी का नया हेयर स्टाइल, ओ बड़ी क्यूट लग रही है परी। परी फिर से छोटी लग रही है। छोटी लग गई? हाँ, पहले थोड़ा बड़ी बड़ी लग रही थी। पापा का कितना पैसे खर्चा करवाया? मुझे नहीं पता, हमें पूछना पड़ेगा। वो हम नहीं। ये तो वो एप्पल जैसा लग रहा है परी का हेयर। एप्पल एप्पल बॉब कट क्या बोलते हैं इसको? बॉब कट। बॉब कट हमेशा परी का ना पीछे की तरफ ऐसे यू टाइप का होता है, क्यू रहता है। इस बार थोड़ा सा अलग। अब इस बार थोड़ा अलग, मम्मी ने कुछ R&D किया है इस बार। सोची थोड़ा सा न्यू करेंगे, बट ये तो तुम्हारे फ्रेंड लोग ही बताएंगे कैसा है। किसका हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा है, परी का हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा है कि आदि का हेयर स्टाइल? आपको किसका हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा, परी का या आदि का? ये देखो आदि का हेयर स्टाइल है। अरे ये स्टाइल है आदि का हेयर स्टाइल है। ये बाबू भैया का स्टाइल है, आदि भैया का स्टाइल है। आदि भैया का स्टाइल है। अधु तुम्हारा हेयर कहाँ गया? अधु ठीक है खाओ। आदि तुम्हारा हेयर कहाँ गया? तुम्हारा हेयर कहाँ गया बेटा? अंकल कट कर। क्या हुआ क्या हुआ? बाल ओ अंकल ने कट कर दिया बाल। अंकल कट, अंकल कट। और परी का बाल आंटी ने कट। आ चुकी हूँ और अभी मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से अपना ट्यूशन करने जाती हूँ। ओके फ्रेंड्स बाय। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखी हो कि नहीं? अगर नहीं देखी हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।